हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये दोनों कलर यूज़ किया है। पहले मैं ब्लाउज बनाऊंगी, तो ब्लाउज बनाने के लिए मैंने ये कलर यूज़ किया है। अब मैं चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये चौदह चेन मैंने बनाया है। उसके बाद और भी चेन करूँगी। ये देखो, इस तरह से मैं चौदह चेन बनाया है। अब ये पंद्रह सोलह, टोटल ये सोलह चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, अब डबल क्रोशी करना है। तो सोलह चेन बनाने के बाद फिर से दो चेन एक्स्ट्रा लिया है। सोलह चेन करने के बाद दो चेन एक्स्ट्रा लिया है और अब मैं डबल क्रोशी करूँगी। इस तरह से 16 चेन की 16 डबल क्रोशी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखो, 16 चेन की 16 डबल क्रोशी। इसके बाद इसके ऊपर और दो लाइन होगी। ये देखो, फिर से इसके ऊपर डबल क्रोशी करना है। एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद दूसरा राउंड करना है, उसके बाद तीसरा राउंड। इसके ऊपर टोटल तीसरे राउंड करके कंप्लीट किया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डबल क्रोशी करना है। एक दो तीन चार, ये चार डबल क्रोशी किया है। इसके बाद घुमा के, इस तरह से घुमा के इसके ऊपर फिर से चार डबल क्रोशी करूँगी। एक दो तीन चार, ये देखो, ये दो राउंड किया है। इसके बाद इसके ऊपर और भी डबल क्रोशी करना है, टोटल पांच राउंड करना है।
ये ऑलरेडी दो राउंड कंप्लीट हो गया, ये तीसरी राउंड हो रही है। ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। एक दो तीन, इसके बाद चौथा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो, इसके बाद ये पांच राउंड के साथ कंप्लीट करना है। एक दो तीन चार, इस धागे को इस साइड में लाना है। इसके लिए टोटल पांच राउंड करके लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से क्रोशियो को अंदर करके, ये देखो यहाँ से इस कॉर्नर से क्रोशियो को अंदर करके ये धागे को खींच कर ले आना है। अब इसको घुमा के, इस तरह से घुमा के अब क्या करना है, जोड़ देना है स्लिप स्टिच के साथ। ये देखो मैंने स्लिप स्टिच करके ये बुझा दूंगी। ये देखो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब ये धागे को कट कर लूंगी। इसे बांध दिया है। अब क्या करना है, इस साइड में सेम टू सेम करना है। साइड में भी सेम टू सेम करना है। इस धागे को जोड़कर एक दो चेन लेकर डबल क्रोशी करना है। एक दो तीन चार, एक राउंड हो गया है, उसके ऊपर दूसरा राउंड करना है। एक दो तीन चार, उसके बाद फिर से घुमा के एक दो तीन चार, ये तीसरा राउंड हो गया है। उसके बाद चार राउंड करना है। एक दो तीन चार, ये चार राउंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पांच राउंड करना है, इस धागे को इस साइड में लाना है, इस साइड में लाना है धागे को। फिर से और एक डबल क्रोशी करना है। ये टोटल पांच राउंड कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये देखो, ये टोटल पांच राउंड कर लिया है। अब क्या करना है, अब इस तरह से पलट के ये देखो, ये कॉर्नर से क्रोशी को लेकर इस धागे को इस तरह से खींच के इसको मोड़ कर, इसको इस तरह से मोड़ कर इसको बुझा देना है। ये बंद कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। इसके बाद धागे को कट कर लेना है।
ये देखो इस तरह से धागे को कट कर लिया है इस तरह से। अब इस धागे को कट करके इस दोनों को बांध देना है। ये देखो क्रोशियो को इस तरह से घुसा के ये धागे को लेकर इस तरह से खींच के दोनों को गंठ बांध देना है। इस तरह से बांध दिया। अब धागे को कट कर देना है। ये देखो इस तरह से मैंने एक ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। आप भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब इसकी घेरे बनाएंगे इस तरह से, इस साइड में अब घेरे बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके अब ये डबल क्रोशी करना है। ये देखो अब मैं डबल क्रोशी करूँगी। अब मैं डबल क्रोशी करूँगी, एक एक कोड में दो दो डबल क्रोशी करना है। एक एक कोड में दो दो डबल क्रोशी करना है। ये देखो इस तरह से मैं डबल क्रोशी करके ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे पप बनाऊंगी। इस तरह से मैंने दो बार धागे को घुमाया, अब तीन बार धागे को घुमा के इस तरह से जोड़कर एक छोटा सा पप बना के दो चेन कर लिया। उसके बाद एक छोड़कर दूसरे कोड में पप बनाना है। तीन बार धागे को घुमा के एक साथ जोड़कर पप बनाना है। इस तरह से हर एक छोड़कर एक कोड में इस तरह से पप बनाना है। दो चेन लेना है, दो चेन लेकर फिर से पप बनाना है। इस तरह से ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लूँगी।
इसके बाद दूसरा राउंड करना है। फिर से पप बनाना है। ये देखो, ये जो गैप है, इस गैप के अंदर से पप बनाना है। तीन बार धागे को घुमा के एक साथ जोड़कर एक पप बनाना है। उसके बाद दो चेन लेना है, दो चेन लेने के बाद फिर से वही गैप में दूसरे पप बनाना है, फिर से जोड़ देना है, एक साथ जोड़ना है, फिर से दो चेन बनाना है। इसके बाद इस कोड में पप बनाना है, एक छोटा सा पप बनाना है। इसके बाद मतलब एक कोड में एक पप, दूसरे कोड में दो पप, इस तरह से बढ़ाना है। अब इस कोड में दो चेन बनाकर दूसरे पप बनाना है। अब इस कोड में एक पप बनाना है। मतलब एक कोड में इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखो, इस तरह से मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दूसरा राउंड करना है इस तरह से। ये देखो, इसके बाद फिर से दूसरा राउंड करना है, दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से दो चेन लेकर जिस कोड में सिंगल पप है उसमें सिंगल पप बनाना है, और जिस कोड में दो पप है उसमें दो ही पप बनाना है। ये देखो, इस तरह से इसमें दो दो करके करना है। जिसमें सिंगल है उसमें सिंगल ही पप रखना है, और जिसमें दो पप रखी है उसमें दो ही पप बनाना है। ये देखो, इस तरह से मैं इस कोड में दो ही पप बना के लेती हूँ। उसके बाद फिर से इसमें सिंगल पप बनाना है और दो दो करके चेन देना है। ये देखो, यहाँ पर दो दो करके इसमें दो ही पप बनाना है। दो चेन लेना है, उसके बाद फिर से दो पप, एक पप बनाना है इस तरह से। जिसमें दो उसमें दो, जिसमें एक उसमें एक ही पप करना है। ये देखो, इस तरह से मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखो, मैंने कंप्लीट कर लिया है ये राउंड को।
अब इस राउंड को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो, मैंने इतना ही बड़ा करके दिखा रही हूँ। इसके बाद जो राउंड करना है वो चेन लेकर इस तरह से मैंने तीनों चार चेन लिया, उसके बाद और दो चेन लिया, उसके बाद धागे को घुमा के इस तरह से मैंने इसके साथ डबल क्रोशी कर लिया। उसके बाद चार चेन लेने के बाद इस पप के ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशी करना है और फिर से चार चेन लेकर इस पप के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशी करना है। इस तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखो ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखो इस तरह से मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दूसरा राउंड करना है, दूसरा राउंड करना है इसके ऊपर से। ये देखो मैंने दूसरे कलर की धागे ले लिया है, उसके बाद मैंने सिर्फ डबल क्रोशी करके ये डिज़ाइन करना है। इस तरह से जोड़ लिया धागे को, उसके बाद चेन बनाया। चेन बनाने के बाद डबल क्रोशी कर ली, तो टोटल 6 डबल क्रोशी इस लाइन में होगी। इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशी कर लेती हूँ। ये देखो टोटल 6 करके इस लाइन में 6 डबल क्रोशी करना है, इस लाइन में भी 6 डबल क्रोशी करना है। एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखो इस लाइन में भी 6 डबल क्रोशी कर लिया है, उसके बाद फिर से इस लाइन में 6 डबल क्रोशी करना है। ये देखो 6, उसके बाद फिर से ये लाइन में 6 डबल क्रोशी करना है। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने टोटल कंप्लीट किया है। अब भी कर सकते हो। अब क्या करना है, इस दोनों साइड में इस तरह से चेन बना देना है। चेन बना के ये लटकन बनाना है बांधने के लिए दोनों साइड में। इस तरह से सबको इस तरह से सब चेन बना लेना है।
भी ये तैयार कर सकते हो। आपके हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से आप सबको दिखाने के लिए छोटा सा ड्रेस तैयार किया है। आपके हिसाब से बनाना, आपके जितना बड़ा चाहिए उतना ही कर सकते हो। मैंने बस इतना ही किया आप सबको दिखाने के लिए। ये देखो, इस तरह से अब बांधना है। अब इस साइड में ये चेन करना है। ये देखो, ये कर लिया। अब क्या करना है, अब इसको बांध देना है। जब पहनाना है तो पहनाने के बाद इस तरह से बांध देने से ये इस तरह से दिखेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिएगा और जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा है ज़रूर कमेंट करके बताना।